मॉर्निंग क्लास टेंथ बच्चों, आपके दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपकी चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम करेंगे आज। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, जो आप चैप्टर में जो आपको बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं टॉपिक्स के बाद हम वो करेंगे सबसे पहले। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है What would be the electron dot structure of carbon dioxide? What would be the electron dot structure
ऑक्सीजन भी अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम के साथ शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखो क्या कार्बन की आउटर शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और देखो क्या ऑक्सीजन के आउटर शेलमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और
अमोनिया एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन। इसी तरीके से आपको अगर कोई अनदर मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है तो आप उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, What would be the electron dot structure of a molecule? What would be the electron dot structure which is made up of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur. In the form of a crown. ये एक crown की form में present होती है। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों sulfur की outer most shell में कितने electron present हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। जितने भी sulfur हैं, उनकी outer most shell में कितने electron present होंगे? 6 electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2
लिया है। सो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। यहां पे देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, क्योंकि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को इन दो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या किया है, शेयर किया है। तो इस वाले सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप देखो बच्चों, ये वाला जो सल्फर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो क्या इस वाले सल्फर का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, इस सल्फर का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। सेम है, जितने भी सल्फर है आप उनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो जितने भी सल्फर एटम प्रेजेंट है सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। सो ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ सल्फर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको कल आपकी लाइव क्लास में भी करवाया था कि कैसे आप पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओगे। क्या होते हैं बच्चों आइसोमर्स? आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम।
कि कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे देखो कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है या नहीं। 3+1, 4 यस, 3+1, 4 जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आप उन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे।